प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपावली के अवसर पर राज्यसभा ग्राम वनटांगिया गांव पहुंचे और दीपावली मनाई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जब सांसद थे तब से दीपावली मनाने वनटांगिया गांव जाते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली मनाने वनटांगिया गांव पहुंचकर 8 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न योजनाओं जैसे आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना, पोषाहार योजना, शिक्षा के उन्नयन हेतु स्कूली छात्र छात्राओं को उपहार तथा मुख्यमंत्री आवास योजना व प्रधानमंत्री आवास योजना एवं कृषकों के उत्थान हेतु बीज वितरण, स्वच्छ भारत मिशन, अंत्योदय योजना, पेंशन के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अमृत महोत्सव के तहत 75 वर्ष की आयु पूरा कर चुके गोरखपुर एवं महाराजगंज के वरिष्ठ नागरिकों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि दीपावली पर्व प्रकाश का प्रतीक होने के साथ साथ ज्ञान, सुख, समृद्धि व खुशहाली का प्रतीक है। सुख, समृद्धि व खुशहाली प्रत्येक प्रदेशवासी के जीवन में हो, प्रदेश सरकार की यही कामना है। उन्होंने कहा कि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस महामारी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत निशुल्क राशन वितरण जो मई से लेकर नवंबर तक दी जा रही थी उसको अब बढ़ाकर होली तक कर दिया गया है। इससे प्रदेश के 15 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि अंत्योदय कार्ड धारक को 1 किलो दाल, 1 किलो खाने का तेल, 1 किलो नमक और 1 किलो चीनी भी मिलेगी तथा पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड धारक को प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न मिलेगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए कहा कि उन्होंने कोरोना से बचाव हेतु सुरक्षा कवच के रूप में सभी को फ्री वैक्सीन दिया है और इसी के साथ केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए घटाया गया है और अब राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल में 12-12 रुपए प्रति लीटर कम किया है जिससे महंगाई पर नियंत्रण होगा। उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि वनटांगिया गाँव में आजादी के 70 वर्षों तक कोई बुनियादी सुविधा नहीं मिली थी, लेकिन वर्ष 2017 से प्रदेश सरकार ने वनटांगिया गांव को राजस्व गांव का दर्जा दिलाकर सभी मूलभूत सुविधाओं से आच्छादित कर नई व्यवस्था के साथ जोड़ा। उन्होंने कहा कि इस ग्राम में 874 लाभार्थियों को आयुष्मान भारत कार्ड, 132 परिवारों को किसान सम्मान निधि, 14 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से लाभान्वित, 1808 लाभार्थियों में से 833 को मुख्यमंत्री आवास योजना, 43 समूहों में ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्य, 916 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण, वनटांगिया क्षेत्र में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 758 को रसोई गैस सिलेंडर, 154 वृद्धा पेंशन, 71 निराश्रित महिला पेंशन, 33 दिव्यांग पेंशन, पोषाहार मिशन के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष के 195 बच्चे, 34 गर्भवती महिलाएं तथा 6 माह से 3 वर्ष तक के 234 बच्चों को जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले यहाँ के लिए योजनाएं सपना होती थीं तथा यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे, लेकिन आज यहाँ पानी, बिजली, आवास, सड़क आदि की सुविधाएं मिल रही हैं। यही राम राज्य है। उन्होंने कहा कि आप सबको जंगल की सुरक्षा करना आवश्यक है तथा जंगल की क्षति नहीं करना है और ना किसी को करने देना है। इन जंगलों के माध्यम से जो समृद्धि आएगी उसका लाभ भी आप सभी को मिलेगा। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, विधायक महेंद्र पाल सिंह, विधायक विपिन सिंह, संत प्रसाद, शीतल पांडे, संगीता यादव, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, SSP डॉ. विपिन ताडा, CDO इंद्रजीत सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी और वनटांगिया गाँव के नागरिक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चरगावा ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि रणविजय सिंह उर्फ मुन्ना, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने कहा लगी हुई है 5 साल के
जिसकी योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का मंच पर पदार्पण होता हो। गुरु गोरक्षनाथ से उत्तर प्रदेश राज्य को सदा निरंतर विकास बनाने के लिए संकल्पित उत्तर प्रदेश राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का एवं समस्त जनमानस के संरक्षक परम श्रद्धेय आदरणीय महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का हार्दिक स्वागत वंदन नमन एवं अभिनंदन। आज दीपा उत्सव के इस पावन पर्व पर मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी एवं परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन। हार्दिक स्वागत मंच पर एवं कटक प्रांत प्रशासन संवर्ग प्रसारण एवं प्रिंट मीडिया समस्त आदरणीय जनमानस आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने के लिए सादर अनुरोध माननीय विधायक ग्रामीण श्री विपिन सिंह के साथ आज का यह कार्यक्रम के उनके कर कमलों से संपन्न होता हो। दीप ज्योति परम ज्योति गुरु गोरक्षनाथ के प्रतिमा के सम्मुख पुष्पार्चन होता हुआ अपने गोरक्षपीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री परमपूज्य महाराज श्री गोरखपुर क्षेत्र के सम्मानित क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, राज्यसभा सांसद माननीय जयप्रकाश निषाद जी, महापौर आदरणीय सीताराम जायसवाल जी, विधायक पिपराई बड़े भाई महेंद्रपाल सिंह जी, सजनवा के माननीय विधायक शीतल पांडे जी, चौरा की माननीय विधायक संगीता यादव जी, महानगर के सम्मानित अध्यक्ष राजेश गुप्त जी, हिंदू आवाहनी के प्रदेश महामंत्री बड़े भाई इंजीनियर पी के मल जी, सम्मानित मंच यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारी बंधु, सभी सम्मानित कर्मचारी बंधु, मीडिया के मेरे साथी, सामने बैठे हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्तियां, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामना। मित्रों, हम लोग पूज्य महाराज जी को अपने बीच में पाकर के बंटानिया में खुशी का जिसका अंबार नहीं रहता है। मित्रों, पूज्य महाराज सांसद रहते हुए तो बंटानिया में आते ही थे, लेकिन जब से पूज्य महाराज जी उत्तर प्रदेश की कमान संभाले, पूज्य महाराज जी ने कोरोना में भी बंटानिया को नहीं भूला। पूज्य महाराज जी, हम अपने ग्रामीण विधानसभा की तरफ से पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। मित्रों, अभी पूज्य महाराज जी ने कल मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नगरी में दिवाली मनाई और उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत से तोहफा दिया पूज्य महाराज जी ने, जिसमें डीजल और पेट्रोल का दाम 12-12 रुपए कम किया है पूज्य महाराज ने। और मित्रों, अभी तक दिवाली तक मुद्र आसन था करीब 13-15 करोड़ लोगों को, उसको पूज्य महाराज जी ने बढ़ा करके होली तक कर दिया है और उसके साथ चीनी है, तेल है, नमक है, दाल है। मित्रों, इससे बड़ी दिवाली और कुछ नहीं हो सकती है। पूज्य महाराज जी ने गरीबों की सुन ली है। साथियों, पंडालिया का वो भी इंतजार करिए
जब पूज्य महाराज जी आपके लिए आंदोलन करते रहते थे, लेकिन जब से पूज्य महाराज जी प्रदेश की कमान संभाले हैं, बंटाने को 1100 आवास मिले हैं, विद्यालय मिला है, पीटीएसपी लगी है, प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास बने हैं, बिजली के काम हुए हैं, साथियों गिना नहीं पाएंगे जितना पूज्य महाराज जी ने बंटाने को दिया है। हम पूज्य महाराज जी का बहुत आदर के साथ स्वागत करते हैं, अपनी बड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पूज्य महाराज जी। सरकार की परियोजनाएं जिनमें ₹281 लाख की लागत से शुरू करी जलाशय ओवर हेड टैंक का निर्माण कार्य, जिस कार्य से 479 परिवारों को शुद्ध जल उपलब्ध होगा, 15.28 लाख की से 275 मीटर मीटर का रोड का निर्माण, ₹30.75 लाख की लागत से 275 मीटर का निर्माण, हमारे देश में आज इस दीपोत्सव के पावन पर्व पर विभिन्न प्रकार के श्री बांकेलाल जी कर्तन ध्वनि के साथ एक क्षण को अभिभूत करें। श्री बांकेलाल जी वाइफ ऑफ श्री सुभाष लाभार्थी तत्पश्चात प्रधान श्री भोला जी श्री वंशु सलाम श्री रामधन 7 माह से 3 वर्ष की आयुरी कुमारी सुनैना उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में गोशाहना हिंदू विद्यापीठ जंगल तिनकोनिया की छात्रा कक्षा 4 की कुमारी प्रियंका हिंदू विद्यापीठ जंगल तिनकोनी आज दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में मिठाइयाँ तत्पश्चात कुमारी प्रियंका के पश्चात कुमारी सलीना मिठाइयों के साथ उपहार प्राप्त करती हुई तिनकोनिया की छात्रा रीमा माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर उपहार को ग्रहण करती हुई आज का यह शुभ अवसर तत्पश्चात सब मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास योजना के लाभार्थी मंच पर उपस्थित हैं। समस्त सम्मानित माननीय विधायकगण के सानिध्य में यह कार्यक्रम सम्पन्न होता हुआ श्रीमती कपूरी जी वाइफ ऑफ श्री विजेंद्र प्रधानमंत्री आवास योजना से वाइफ ऑफ सदानंद जी बीज वितरण के लिए आमंत्रित है श्रीमती कदिरा जी श्री परमात्मा जी सन ऑफ श्री राजा राम बीज वितरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से पैकेट को प्राप्त करते हुए के अंतर्गत स्वच्छाग्रही जिन्हों जिसमें सर्वप्रथम मंजू वार्ड जी वाइफ ऑफ स्टील वार्ड मेगाफोन और स्वच्छता किट को प्राप्त करते हुए श्री सत्येंद्र कुमार जी मेगाफोन और स्वच्छता के मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख पहुंचते हुए इस कड़ी में हृदय योजना के अंतर्गत मिष्ठान एवं पत्र को प्राप्त करते हुए आपको इसके पेंशन योजना में हमारे बीच में वृद्धा पेंशन के लिए लाख कुमार जी श्री राजकुमार जी हमारे बीच में दिव्यांग पेंशन की श्रीमती नौमी जी महोत्सव के अंतर्गत सन 1947 के पूर्व जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के पूर्व का सूरज देखा था और स्वतंत्र भारत का 75 वर्ष पूर्ण करने के बाद कर्तव्य आयु पूर्ण कर ली और जब भारत हमारा अंग्रेजों का गुलाम था तब का भी सूरज देखा था और आज 75 वर्षों के पश्चात जब भारत गलत पथ पर पारसनाथ के पास सूर्यमणि जी गोरखपुर एवं महाराजगंज के अमृत महोत्सव के श्री राम हरि टांगिया क्षेत्र के अति वरिष्ठ नागरिक नूर मोहम्मद जी एवं श्री राम साहब जी गोरखपुर एवं जो हमारे वरिष्ठ गण है सम्मानित होते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के एक बार पुनः भारत में स्वतंत्र भारत में सभी कटकोटा से बनी हुई कटर ध्वनि के साथ यह स्नेह चित्र हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्पित जा रही है। ब्लॉक प्रमुख श्रीमती वंदना सिंह के मर्यादा पुरुषोत्तम दीपावली के इस पावन पर्व पर एक स्नेह का चित्र
माननीय मुख्यमंत्री महोदय को समर्पित स्नेह की भांति यहाँ नवस्त्र प्रदान करते हुए कर्तव्य ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इस माता की भारत माता की दीपावली के आज के इस पावन कार्यक्रम में जंगल के कोनिया नंबर 3 में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय सांसद श्री जयप्रकाश निषाद जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री शीतल पांडे जी, श्रीमती संगीता यादव जी, श्री संत प्रसाद जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिलाध्यक्ष श्री विष्णु सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, इंजीनियर पी के मौल जी, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती वंदना सिंह जी, श्री जनार्दन जायसवाल जी, संत गुलाब यादव जी, मुन्ना सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख संजय सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिकगण, उपस्थित भाइयों बहनों, आज दीपावली का पावन पर्व है और दीपावली के अवसर पर हम लोग विशेष रूप से इस गणदांग्या गांव में आकर के आप सबको दीपावली की मंगलमय कामना आप सबके प्रति करते हैं और दीपावली की खुशी आप तक पहुंचाने और आपकी खुशी के साथ सहभागी भी बनते हैं। आज के इस अवसर पर आप सभी को और पूरे प्रदेश वासियों को दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं। दीपावली की मंगल कामना पूरे प्रदेश वासियों के प्रति करता हूं। कल आपने देखा होगा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली अयोध्या का दीपावली का पर्व कितनी भव्यता के साथ और कितनी दिव्यता के साथ अयोध्या में आयोजित हुआ। एक एक दीपक जलता था, वह दीपक प्रकाश का तो प्रतीक है ही, वह ज्ञान का प्रतीक भी है, सुख और समृद्धि का प्रतीक भी है, खुशहाली का प्रतीक भी है और यह प्रकाश, यह ज्ञान, यह सुख, यह समृद्धि, यह खुशहाली प्रत्येक प्रदेशवासी के जीवन में हो, यही तो कामना करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष दीपावली के अवसर पर अयोध्या में दीपोत्सव के इस कार्यक्रम के साथ लाखों लाख लोगों को जोड़ती है। कल प्रदेश सरकार ने कुछ घोषणाएं भी की है और केंद्र सरकार ने भी कुछ घोषणाएं की है। प्रदेश सरकार ने तय किया कि कोरोना भी समाप्त नहीं हुआ और कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो इस मई तक, इस मई से लेकर के नवंबर तक है, उसे हम बढ़ा करके होली तक करने जा रहे हैं। होली तक हर गरीब को फ्री में राशन मिलेगा, साथ साथ अंत्योदय कार्ड धारक को 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक और 1 किलो चीनी भी मिलेगी। पात्र गृहस्थी के जितने भी राशन कार्ड धारक हैं उन सबको खाद्यान्न पर यूनिट 5 किलो यानी अंत्योदय में खाद्यान्न मिलेगा 35 किलो, जिसमें गेहूं और चावल है। और पात्र गृहस्थी में अगर किसी परिवार में 7 लोग हैं तो उस परिवार में 35 किलो खाद्यान्न उसमें, यानी 1 यूनिट पर 5 किलो, तो 5 किलो खाद्यान्न पर यूनिट, कार्ड पर 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल,
एक किलो नमक उन सभी परिवारों को राज्य सरकार होली तक उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी और इस योजना को दिसंबर महीने से प्रदेश सरकार लागू कर रही है। दीपावली का एक उपहार पूरे प्रदेशवासियों के लिए 15 करोड़ लोग इससे सीधे सीधे लाभान्वित होंगे, मैं इसकी बधाई आप सबको देता हूं। दूसरा, हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने कोरोना में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में अन्य योजना देने के साथ ही सुरक्षा कवच के रूप में कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश को फ्री में वैक्सीन भी दिया। फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन, और फ्री वैक्सीन के उपहार के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने उपहार पूरे देश को दिया। डीजल और पेट्रोल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में कई गुना बढ़ गए थे, स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव देश के अंदर भी पड़ा है और कल भारी मात्रा में डीजल और पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी में कमी करते हुए डीजल पर 10 रुपए और पेट्रोल पे 5 रुपए कम करने की जो घोषणा हुई है, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर के से डीजल पर 12 रुपए और पेट्रोल पर 12 रुपए की छूट की घोषणा की है। कुल मिलाकर केंद्र और प्रदेश सरकार इससे एक सामान्य उपभोक्ता तो लाभान्वित होगा ही, बढ़ रही महंगाई पर अंकुश लगेगा, सामान सस्ता होगा और साथ साथ किसानों के लिए, युवाओं के लिए यह एक नई स्कीम राज्य सरकार ने कल केंद्र सरकार ने दी है। मैं इस अवसर पर दीपावली के सुपार के लिए आप सबको बधाई देता हूं, पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज यहां पर कुछ कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। जंगल तिरकोनिया नंबर 3 में केदार के घर से हर्षनाथ के घर तक संपर्क मार्ग पर मिट्टी व सोने का कार्य, वनटांगा गांव के तिरकोनिया नंबर 3 में ओम प्रकाश के घर से सुकारी के घर तक नाली व स्लैब कार्य, वनटांगा ग्राम जंगल तिरकोनिया नंबर 3 वनटांगा में सामुदायिक शौचालय निर्माण का कार्य, वनटांगा ग्राम जंगल तिरकोनिया नंबर 3 में लालचंद के घर से बालचंद बालकरण निषाद के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य, वनटांगा नंबर 3 में राजेंद्र निषाद के घर से प्राथमिक विद्यालय होते हुए पटेलो निषाद के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य, चंद्रसेवक के घर से बांके के घर तक संपर्क मार्ग पर मिट्टी व ब्रिक सोलिंग कार्य, तिरकोनिया नंबर 3 में सुकारी के घर से सत्तन के घर तक संपर्क मार्ग मिट्टी व ब्रिक्स सोलिंग कार्य, और तिरकोनिया नंबर 3 के मुनीप के घर से राम रोड के घर तक संपर्क मार्ग पर मिट्टी व सोलिंग कार्य। यानी ये 8 कार्यों का आज यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पण का कार्य हो रहा है। मैं पंटांगा गांव से जुड़े हुए आप सभी नागरिकों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूँ, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि बनटांगा गांव में पहले जिंदगी कितनी दुर्भर थी, आजादी के 70 वर्षों तक यहां पर कोई बुनियादी सुविधा नहीं मिल पाई थी, ना बिजली, ना पानी, ना सड़क, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य की सुविधा, ना राशन कार्ड की सुविधा, ना आयुष्मान भारत की सुविधा, ना पेंशन की सुविधा, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि वोटिंग राइट भी नहीं था, इनको अपना ग्राम प्रधान नहीं चुन सकते थे। लेकिन 2017 में जब सरकार आई हमारी, तो हम लोगों ने सबसे पहला काम किया कि राजस्व गांव के रूप में बनटांगा गांवों को मान्यता देकर के शासन की सुविधा का लाभ उन्हें देना प्रारंभ किया। लगभग सभी घरों को, सभी परिवारों को एक एक आवास मिल गया है, शौचालय मिल गया है, राशन कार्ड मिल गया है, पेंशन की सुविधा का लाभ मिल गया है, जमीन का पट्टा मिल गया है, और अब उनको पुलिस या वन विभाग के शोषण का शिकार नहीं बनना पड़ेगा।
और यह सचमुच में आपके जीवन की एक दीपावली है। एक नई व्यवस्था के साथ आपको जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उस व्यवस्था के साथ जोड़ते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हुई, जिसमें अब तक 854 लाभार्थियों को हम लोगों ने आयुष्मान भारत कार्ड, 132 परिवारों को किसान सम्मान निधि, 14 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, 1808 लाभार्थियों में से 833 लाभार्थी मुख्यमंत्री आवास योजना, 43 समूहों में यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्य हुआ है, 916 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण हो चुका है, 758 बंटालिया क्षेत्र में उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के सिलेंडर दिए गए हैं, 154 वृद्धावस्था पेंशन, 71 निराश्रित महिला पेंशन, 33 दिव्यांगजन पेंशन और यहां पर तमाम उन बच्चों को जो बच्चे पोषाहार मिशन के साथ जुड़े हैं, 3 से 6 वर्ष के 195 बच्चे, 34 गर्भवती महिलाएं, 232 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे, इन सभी को पुष्पाहार वितरण भी योजना के साथ भी जोड़ा गया है। भाइयों बहनों, इससे पहले ये योजनाएं यहाँ के लिए एक सपना हुआ करती थी। यहाँ के लोगों को इस प्रकार की सुविधाओं से वंचित रखा जाता था, लेकिन अब सड़क भी, बिजली भी, पानी भी, स्कूल भी, स्वास्थ्य की सुविधा भी, आवास भी और शासन की सभी प्रकार की सुविधाएं आप तक पहुंच रही हैं। यह सही मायने में आपके जीवन की दीपावली है और इसी को राम राज्य कहते हैं। राम राज्य की अवधारणा बंटांगिया गांव में साकार हुई है और इस सब को साकार करते हुए मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। यह आप सबसे यकीन होगा, हमने जमीन के पट्टे तो दिए, हमने मकान भी दिया, सभी प्रकार की सुविधाएं दी, लेकिन याद रखना जंगल की सुरक्षा जरूर करना, जंगल को क्षति न करना है न किसी को करने देना है। अगर आप करेंगे तो आपकी पहचान इससे बनेगी और साथ साथ इन जंगलों के माध्यम से जो समृद्धि आएगी उसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। दूसरा, अपने बच्चों को खूब स्कूल पढ़ाएंगे, सरकार आज सब व्यवस्था फ्री में दे रही है, उस योजना का लाभ लेने की आवश्यकता है। सरकार ने तय किया हम स्नातक तक बालिकाओं की शिक्षा फ्री दे रहे हैं, सरकार ने यह भी तय किया कि प्रदेश के हर युवा को जो स्नातक में है या प्रस्नातक की पढ़ाई कर रहा है उन सभी को हम टैबलेट या स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, जिससे कोरोना जैसे कालखंड में अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन या ऑनलाइन पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोई बात आती है तो उन बच्चों के लिए आसान होगा जिनके पास स्मार्टफोन या टैबलेट नहीं है। कोरोना ने पिछले 1.5-2 वर्ष से पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर आम जनमानस की व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का कार्य किया है, लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश ने तो इसमें देश के अंदर सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसमें प्रदेश सरकार, जनप्रतिनिधि, प्रशासन, स्वास्थ्यकर्मी, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े हुए संगठनों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं इस अवसर पर उन सबको हृदय से अभिनंदन करता हूं। दीपावली के इस अवसर पर मेरी आप सबसे अपील है, चाहे वह जनप्रतिनिधि हो,
चाहे वह सरकारी अधिकारी या कर्मचारी हो, जनप्रतिनिधि किसी भी स्तर का, सांसद, विधायक, जिला पंचायत का अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत समिति का प्रमुख, महापौर, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, चेयरमैन, पार्षद, ग्राम पंचायत समिति का सदस्य, ये कोई भी हो, वह कम से कम एक परिवार के पास जरूर जाएगा दीपावली की मिठाई और दीपावली का दीप लेकर के, जिससे हर घर में दीप जल सके और पूरे प्रदेश में खुशहाली लाई जा सके। मुझे आज प्रातःकालीन सत्र में अयोध्या में हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि में रामलला का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद मैंने सबसे पहला काम किया, एक अंतोदय परिवार में गया, वहां दीपावली की मिठाई दी बच्चों को, वहां पर हम लोगों ने दुलझड़ी भी दी और साथ साथ वहां पर दीपावली के दीप भी उन लोगों को भेंट करते हुए फिर मैं संतों से मुलाकात करके सीधे आपके बंटालिया गांव में यहां पर आया हूं। खुशी कई गुना बढ़ जाएगी आपकी जब किसी गरीब के साथ मिलकर के आप इस त्योहार को मनाएंगे, और त्योहार का सबसे आनंद तभी है अकेले में नहीं, अपने परिवार तक सीमित नहीं, बल्कि इसको हमें सामुदायिक रूप से आगे बढ़ाना होगा, समाज के लिए आगे बढ़ाना होगा। और इन सभी योजनाओं का लाभ आज आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर यहाँ पर एक मेला भी लगा हुआ है, आप सभी इसको देखेंगे, बच्चों को स्कूल जरूर भेजेंगे, सावधानी रखेंगे इस विश्वास के साथ। अभी मैं आया था, एक बुजुर्ग आए थे मेरे पास, वो कह रहे थे कि कुछ लोग शराब पी रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है, न शराब बनाना है न शराब पीना है, क्योंकि ये नुकसान पहुंचाएगा, और इसलिए इससे बचते हुए अपने बच्चों को पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए, मेहनत से आगे बढ़ाइए, वह भी व्यवस्था का एक हिस्सा बन सके, समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति कर सके। आज दीपावली के अवसर पर आप सबकी भी व्यस्तता होगी, आप सबको मैं एक बार फिर से दीपावली की ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, और दीपावली का यह पर्व आपके जीवन में उल्लास का, उमंग का माहौल प्रतिदिन ला सके, इस विश्वास के साथ आप सभी को मैं दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले समय में यहाँ पेयजल की व्यवस्था भी हम लोग देने जा रहे हैं, ओवरहेड टैंक के माध्यम से, टंकी के माध्यम से घर घर पानी, जल जीवन मिशन के अंतर्गत, और जो बचे हुए मोहल्ले हैं वहां पर भी इंटरलॉकिंग के साथ साथ आवास की सुविधा और अन्य सुविधा का लाभ देंगे। आप सबको मेरी हृदय से बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। रणविजय सिंह मुन्ना, ब्लॉक प्रमुख, प्रतिनिधि चरगावा। जैसे बंटांगिया गांव में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 2007 से बंटांगिया गांव के लोगों के साथ दिवाली मनाते हैं, और चौथी बार मुख्यमंत्री होने के बाद भी बंटांगिया गांव में आके इस बारी दिवाली मनाए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि गरीबों के घर में जाके दीप जला के और मिठाइयां बांट के दिवाली, ऐसा कोई मुख्यमंत्री पिछली सरकारों में नहीं किया था जो मेरे मुख्यमंत्री जी करके दिखा रहे हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं तो बंटांगिया गांव के लिए बहुत बड़ी विकास की गंगा, विकास के लिए सौगात भी देके जाते हैं। आज काफ़ी सड़कों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैसा भी दिया है और मुक्त किया है, और तमाम सड़क, बिजली, आवास, अब तो हर चीज़ बंटांगिया को जो चीज़ चाहिए था, मूलभूत सुविधा सारी कुछ अब माननीय मुख्यमंत्री जी दिलवा दिए। एक विद्यालय का लोकार्पण भी किए हैं। हाँ, विद्यालय तो सभी 5 बंटांगिया में विद्यालय बन गए हैं, सभी राशन कार्ड, विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, मनो हर तरह की मूलभूत सुविधा बंटांगिया के लोगों को मिल रही है। हम आपके चैनल के माध्यम से पूज महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देंगे कि दिवाली के अवसर पर उन्होंने बंटांगिया में आकर के दीपोत्सव कार्यक्रम किया, और बहुत से नए कार्यों का आज पूज महाराज जी ने यहाँ शिलान्यास और लोकार्पण किया है। बाकी तो यहाँ हर चीज़, चाहे आवास ले लीजिए, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, चाहे शौचालय या राशन कार्ड,
TTSP यहाँ पानी के लिए लग गया है, बिजली से आच्छादित है, कुछ बचा नहीं है। यहाँ पर विद्यालय बन गए हैं, आंगनबाड़ी केंद्र बन गए हैं, सब कुछ यहाँ मिल चुका है पूज्य महाराज जी के। उसमें सबसे बड़ा जो है यह है कि इनको राजस्व ग्राम का दर्जा मिल गया और यहाँ पर अपने जमीन पर सब्जी उगाना, जो भी खेती करना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपके चैनल के माध्यम से पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आज महापर्व दीपावली दीप उत्सव का के उपलक्ष्य में मैं सभी अपने मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथियों को बधाई देता हूं, पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए। आज महाराज जी ने तमाम योजनाओं का उद्घाटन किया, लोकार्पण किया। आपने देखा होगा महाराज जी ने जैसा कि बताया कि बढ़ते हुए डीजल की महंगाई को अपने हाथ से उसको सबसे ज़्यादा कम करने का काम किया, बैठ कम किया, तमाम योजनाओं का शिलान्यास करते हुए बनटांगिया को तमाम सौगात दिया, विद्यालय दिया, यहाँ के लोगों को आवास दिया, तमाम सड़कें दिया, गांव में नालियों को जो है साफ सुथरा स्वच्छ है। भारत अभियान के तहत तमाम योजनाओं का लोकार्पण करके महाराज जी ने बनटांगिया को जो कोई पूछता नहीं था, ये जंगल में वनवासियों अपना जीवन व्यतीत करते थे, उनके लिए तमाम प्रकार की सौगात देते हुए अभी आपने देखा होगा महामारी से जो गरीब मजदूर खोंचा ठेला रेवड़ी पटरी सबके लिए उन्होंने, आपने देखा अभी महाराज जी ने जैसा कि राशन चावल दाल गेहूं चीनी तेल सब का आपके होली तक के लिए मुफ्त वितरण व्यवस्था उन्होंने शुरू की है। एक बहुत बड़ा गरीबों के लिए राहत पैकेज दे करके उनके जीवन में खुशहाली लाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश सरकार को और इस देश की सरकार मोदी और योगी को मैं बहुत बहुत इस पावन पर्व दिवाली के अवसर पर बधाई देता हूं। उन्होंने गरीबों का बहुत बड़ा ख्याल रखा। धन्यवाद।